हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड विजुअल फील्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लेंटिकुलर लेंसेस क्या होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेंस है ये एक लेंटिकुलर टाइप का लेंस है। इसमें दो रीजन होते हैं। जो आउटर रीजन है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, और जो सेंट्रल रीजन है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं। जो अपर्चर रीजन है इसमें लेस और नो पावर होती है, और जो कैरियर रीजन है इसी में हमारी प्रिस्क्राइब पावर होती है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग माइनस लेंस ले रहे हैं कि प्लस लेंस ले रहे हैं। अगर प्लस लेंस होगा तो उसका सेंट्रल रीजन थिकर होगा और अपर्चर रीजन थिनर होगा। और जैसे कि आप लोग इसमें इस लेंस पे देख पा रहे हैं, ये एक -17 डायप्टर का कॉनकेव लेंस है, माइनस लेंस है। तो इसमें जो सेंट्रल कैरियर पोर्शन है वो थिनर है इन कंपैरिजन विद द आउटर अपर्चर पोर्शन। ये हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी पावर मोर देन 10 और 12 डायप्टर से ऊपर होती है, क्योंकि जो नॉर्मल लेंसेस होते हैं उनको कैरी करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। और ये इसका वेट काफ़ी लाइट होता है, थिकनेस भी काफ़ी कम होती है इसकी इन कंपैरिजन विद नॉर्मल ग्लासेस। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम लोग बड़े साइज का फ्रेम यूज़ कर रहे हैं इसकी फिटिंग के लिए, तो फिर ये जैसे कि एग का शेप होता है, एग और यॉक का, वैसा शेप देता है। थैंक यू।